तो आज मेरे दोस्त ने हमको बोला आज फिशिंग करने जाएगा, तो अभी हम फिशिंग करने जाएगा। तो बेटे घर बैठे बैठे बोरिंग हैं, तो आज सब तरह फिशिंग करते हैं, उसने मुझे बोला। तो हम आज फिशिंग करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे नदी में जाएगा, तो नदी में जाकर काम दिखाएंगे कैसे मच्छी मारता है और कैसे रहता है नदी का। तो ये करते हैं, तो बाद में मिलते हैं। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं हम लोग, तो बहुत लेट हो गया। आज सुबह जल्दी जाने के बाद था, लेकिन ऑफिस का काम हो गया, बहुत लेट हो गया। बोला भैया अभी बहुत गुस्सा हो गया हमको, तो अभी हम निकल रहे हैं। लेकिन भी ये पक्तू है, ये बैंक पक्तू का ये बैंक है, देखिए इतना आदमी है, लिंक नहीं है, थोड़ा बंद है। आप देख सकते हैं पक्तू बाजार है। जब भी हम नदी में जब आते हैं तो आग को ऐसे जलाते हैं, और इसमें लकड़ी पूरा भीग गया है, बारिश था, बारिश भीगने का उसको देख सकते हैं कैसे आग जलाने है। ये हल्का से जल रहा है, पूरा भीग गया, आग जल रहा है। धीरे 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 आग निकल रहा है, बड़ा भाई आग जला रहे। धीरे धीरे आग लग गया, आप जब भी आप कहीं भी जंगल में आते तो ऐसे आग जलाने। मौसम बहुत हवा भी मर है, नज़ारा भी आप देख सकते हैं, देखिए काफ़ी साइलेंट है, बहुत ये है नदी भी है। तो ये मेरा ये बम्बू आज यहाँ पर कला बनाएंगे,
अतः आप इसको क्या कब ये बनाएगा, चटनी बनाएगा? ये बंगला मच्छी। बंगला मच्छी ना, बंगला मच्छी आप देख सकते हैं। तो इसका तो ये बहुत टेस्ट होता है ना, एकदम ये अच्छा ना टेस्ट करिए ना। और यहाँ पे इसमें ये बम्बू है ना, बम्बू में डाल दिया ना, डाल रहे हैं ना टमाटर डाल दिया। तो टमाटर डाल दिया ना, अब क्या क्या मिक्स करेगा? भूत जोलकिया डालेगा, उसके बाद लहसुन डालेगा, आग में बता देगा ना, आग में ना। तो आज का ये डिश तो बहुत बढ़िया होगा। मच्छी आ रहा है अभी, मच्छी भी आ रहा है ना, अभी मच्छी भी आ रहा है। देखिए अभी ये बम्बू में घुसा रहा है सबको। तो अच्छा होगा, आप देख सकते हैं इसमें अभी सब कुछ। तो नमक है, नमक चल, आग भी अच्छे से ये जल गया है। तो देखिए ये बम्बू है, हम लोग आज बम्बू में बना कर खाएंगे। ये देखिए बम्बू है, बम्बू में आज हम लोग कभी दिन आने से बम्बू में एक डालेगा। ये मिर्चा बहुत टेस्ट होता है, क्या देखा देखिए, वाओ खाने का मन हो रहा है ना। इसका गंध भी बहुत अच्छा है, आप इसको जितना भी खाएंगे आपको पिए पेट दर्द नहीं होंगी। होंगा ये आग भी देखिए, आग भी बहुत अच्छा से जल रहा है। ये पूरा भिज गया था पानी में, तो बारिश बहुत गिरा था कल, लेकिन भी आज हम जला रहे तो थोड़ा ये जल रहा है, देख सकते हैं। चावल को ऐसे डालते हैं, चावल को अब पहले ये ताली पत्ता में ऐसे डाल देना है, चावल को इसके बाद इसे फोल्ड करेगा, इसे फोल्डिंग करेगा। आप देख सकते हैं, आप बाद में भी आप कहीं जंगल उंगल में जाने से या एडवेंचर कई जगह जाने से आप ये कर सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं। इसके हम लोग ट्राइबल फूड बोलते हैं। ओ चावल थोड़ा पाटिया लगता है, इसका बम्बू नहीं घुसेगा ये तरह। पानी ज़्यादा डाल रहे हैं अभी, ये चावल को ज़्यादा बोलती नहीं करना है, कम, अगर बोलती करने से पूरा ज़्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल में। जुआ चावल है, हम लोग लोकल चावल हम लोग धुना था लेकिन नहीं मिला है, मार्केट पर बन है। तो हम लोग ये जुआ चावल ले लिया, इसे फोल्डिंग करेगा। फोल्डिंग करने के बाद देखिए आप ही
आग में साइड में रख देगा, तो साइड में रखने के बाद कुछ से कुछ ये पक जाएगा। जलना 20 मिनट कांटा में पक जाएगा। तो हम झाड़ू कोई भी नहीं पीते, हम पेप्सी लेकर आए हैं, पेप्सी पीते हैं। नज़ारा देख सकता है यहाँ का, बहुत सुंदर है नदी। धीरे धीरे पक रहा है, ये ज़्यादा भी आग नहीं जलाने, हल्का हल्का से आग जलाने है इसका। ज़्यादा आग जलाने से भी ये अच्छे से नहीं पकता है, हल्का हल्का से ये अच्छे है। इतना से भी नहीं करना है आग को जलना है, नॉर्मल से तब जाकर अच्छे से पकते हैं। आज का है ये दिखता है, और आने में बहुत देर हो गया, लेकिन कुछ काम इधर उधर जाकर ट्रैफिक पुलिस भी हम लोग को पकड़ लिया था, तो उसके हम माफ़ी मांग कर आ गया है। अभी पुलिस अच्छा था, हमें गलत पर्सन किया था, इसके वजह से हम बहुत लेट हो गया। अभी करीब दो बज गया है, तो यहाँ हम लोग एक्चुअली हमें जल्दी पूछना था, 11 बजे पूछना था, लेकिन मार्केटिंग करते करते बहुत लेट हो गया। साथ ही मिक्स कर रहे हैं को साथ, हिंदी में कैसे ये बनते हैं आप देख सकते हैं। मेरा भैया बहुत अच्छे से पकाते हैं, बहुत तेज होते हैं। मम्मी हमारे जब नदी आते हैं तो वही बनाते हैं खाना पीना, में बहुत तेज होते हैं बने वाला। बहुत काफ़ी ये बहुत तेज है, देख सकते हैं चुना में थोड़ा डाल दिया है, चुना में थोड़ा डाल दिया, देख सकते हैं थोड़ा मट्टा बटन थोड़ा बड़ा हो गया, बहुत तेज होगा। अच्छा तो हाथ को भी कर सकते हैं ना, तो हाथ में लग जाएगा क्या सू, और जब भी करते हैं तो क्या सू करना है जलबाजी में क्या से। हल्का से पानी डाले गया था, पानी में डाले बिल्कुल पानी में डालेगा ना, तो अचानक बोला बिल्कुल पानी नहीं डालने, मल में पका नहीं, सिर्फ बुमबू में डालने तो डालने। तो आप जब भी पकाते तो कभी बुम्बू में इतना पानी नहीं डालना है, तो हल्का से डालना है। तो अभी इसको हल्का से अभी आग में बिताएगा, तो और बहुत देखिए अभी हम आग में आग इसको डाल देंगे, आग में डालेंगे उल्टा खाना उबल रहा है क्या, खाना तो उबल रहा है, उबल रहा है हाँ, हल्का हल्का से उबल रहा है, उबल रहा है ना हाँ दोनों नहीं हाँ ये वाला उबल रहा है, खाना
यहाँ भी अभी बोल रहे हैं सब्जी दे, ये बंदों की तरफ काट गया, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो पक गया है बीच, तो ये मच्छी भी पक गया। ये नदी में देख कर ऐसे खाने के लिए कुछ अलग से मज़ा है और अलग से टेस्ट होता है। लाइफ में ऐसा खाना दोस्त लोगों के साथ में ऐसे बैठ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये थोड़ा मच्छी भी बहुत मज़ा हो गया और ये लोकल चटनी चटनी भी है। ये मेरा तो मेरा बर्बो आज का ये मच्छी मार कर खिलाया है, बर्बो है मेरा। तो चटनी भी है, कुछ चटनी है, मच्छी भी है, ये खाना भी पक गया बम्बू में, आप खा सकते हैं। मच्छी को देखो ना, वो नाटाल मच्छी नहीं जैसे नहीं आता है, ऐसे किचो ना ऐसे, वाओ बहुत टेस्ट। सब खाना खाओ, कैसे हो आता गन? बढ़िया है ना, कैसे बहुत 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 स्वाद, एकदम बढ़िया बढ़िया ना, वाह। और अभी हम लोग का खाना पक गया है, तो अभी हम लोग खाना खाएगा, बहुत बढ़िया है, और जो है आज हम लोग खाना खाएगा। ये मेरा आज का डिश बनाया है, मेरा आटा आटा ने बनाया है, दुदिन दुदिन है। और ये मेरा बड़ा भैया बड़बो भी है, भैया भी है आज में, ये कर भी क्या है। तो अभी हम लोग खाना खा लेगा, बड़ा भैया लोग खाने दो, मैं धीरे धीरे मैं भी खाऊँगा। वाओ बढ़िया, टेस्टी 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 टेस्टी, आटा कैसे लग रहा है? बढ़िया बढ़िया ना, वाओ आराम से खाइए। नदी है लेकिन मैं उसे बैठने के लिए कितना अच्छा लगता है, सुकून लगता है। हम नदी को देख सकते हैं, कितना शांति है, कितना आनंद मिलता है जब नदी में आने से बैठने से, सुकून मिलता है। और ये पानी देखिए झरना कितना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है मन को, आप देख सकते हैं। तो आज का ये मेरा ब्लॉग यही खत्म होता है। तो हो मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो आप जरूर आप कब कर दीजिए मेरा चैनल को शुरू कर दीजिए, आप कब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर करिए। तो आज का ब्लॉग यही खत्म होता है, अब फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।